बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजम्मिल इजाज़ और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से पीडीएफ की फाइल वर्डप्रेस के अंदर इनबेड कर सकते हैं या हम शो करवा सकते हैं। तो जो बुक्स की वेबसाइट्स बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बुक्स जो है ऑनलाइन रीडिंग के लिए देते हैं, तो उनको ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। दो मेथड बताऊंगा, आप जो मर्जी है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहला मेथड है सिंपल, आप मीडिया के अंदर आ जाएं और ऐड न्यू कर लें। ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन मैं पहले कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपनी पीडीएफ अपलोड कर देंगे जो आप शो करवाना चाहते हैं। तो कोई छोटी सी मैं पीडीएफ डेमो के लिए ले लेता हूँ। ये हमारी पीडीएफ जो है वो अपलोड हो गई है। हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं और इसका जो लिंक है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो लिंक है हम बाद में इसे को यूज करेंगे। सो हम पोस्ट में जाते हैं, एक न्यू पोस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं पोस्ट का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपल जो है डाउनलोड लिंक जो है इसका दे देंगे पीडीएफ का, या हम इसको जो है टाइटल भी दे सकते हैं कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट किया और टेक्स्ट जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपडेट कर दिया एंड ये आ गए। अब हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, पब्लिश करेंगे जगह कि किस तरह से ये शो होती है। आप पब्लिश भी कर सकते हैं पोस्ट को। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर जो है वो ओपन हो गई है और यूजर जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, व्यू कर सकता है, जो मर्जी है वो करना चाहे वो कर सकता है या पढ़ सकता है वो। ये तो एक तरीका हो गया, आप लिंक देकर यूजर को करवा सकते हैं। अब हम पोस्ट के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पोस्ट के अंदर ही फ्रेम बन के आए और उसके अंदर हमारी पीडीएफ शो हो, तो वो क्या तरीका है? तो सिंपल प्लगइन्स में जाएंगे और एक प्लगइन ऐड कर लेंगे पीडीएफ एम्बेडर के नाम से। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं। मैं ये यूज कर लेता हूँ पीडीएफ एम्बेडर। एक्टिव कर दिए इसको। और यहां से हम इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है वो एक दफा देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आपकी विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह से जो है शो हो। ये टूल बार की लोकेशन है कि किधर शो हो, बॉटम, टॉप, बोथ। ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि ये टूल बार से क्या मुराद है और ये किधर शो होती है। इसके अलावा ये जो बटन्स हैं ये प्रीमियम भी आते हैं। सो हम इसे पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं ताकि वो बटन जो है हमारे पास है आ जाए। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एलिमेंट को और यहाँ पे हम पीडीएफ एम्बेडर यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करके वो पीडीएफ की फाइल जो है सिलेक्ट कर लेंगे। और मैंने पीडीएफ की फाइल सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब हम इसको सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं और हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से ये शो होती है। तो ये लोड हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके पेज के अंदर ही शो हो रही है। यहाँ से
पेज 2, पेज 3, पेज 4 आगे तक यूजर जा सकता है। सेटिंग्स के अंदर एक टूल बार का ऑप्शन आ रहा था, उसका मतलब ये वाला टूल बार था। आप बॉटम में शो करवाना चाहते हैं, टॉप पे शो करवाना चाहते हैं, या दोनों जगह पे शो करवाना चाहते हैं, फिर भी करवा सकते हैं। तो ये तरीका है वर्डप्रेस के अंदर पीडीएफ को एम्बेड करने का, और ये सेम चीज़ आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं कि मैं आपकी फाइल को वर्डप्रेस के अंदर एम्बेड करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।